दोस्तों अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसको सॉल्व करने के मेथड्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है और इस फार्मूले की मदद से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 10, 11, 12, 14 एंड 15। दोस्तों इन पांचों एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देखिएगा। अगर ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, विद्या विजन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु। दोस्तों अगर मैं सीख सकता हूं तो आप भी सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं अबाउट कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या था, दैट इफ यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच एज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो कैन बी रिटन एज एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसी इक्वेशन को हम और एक्सपेंड कर दें और इसको सॉल्व कर ले तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिल जाएगा। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करें तो इस टर्म को हम वैसे ही उतार लेते हैं। अब ये बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो, हम वैसे ही उतार लेंगे। अब x प्लस बी अपॉन टू ए लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और बाकी टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं। अब यहां पर देखिए 4a स्क्वायर और a में एलसीएम ले लेंगे तो यहां पर एलसीएम आएगा 4a स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हो गया x प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड में आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो अब अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें तो क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में होगा x प्लस बी अपॉन 2a और राइट हैंड साइड में आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखिए ये जो प्लस माइनस है ये मैंने यहां पर लिख दिया है, ये एक्चुअली ये बीच में आएगा, ये इतना टर्म जो है ये ब्रैकेट में है और प्लस माइनस बाहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए ये जो b अपॉन 2a इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो यहां पे हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहां पर एलसीएम हो जाएगा 2a और ऊपर आएगा माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोस्तों यही क्वाड्रेटिक फार्मूला है। दैट मींस इफ यू हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच एज ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एक्स इज आइदर माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो इस तरीके से सिंपली हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे मैंने बताया था कुछ सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल 10, और एग्जाम्पल 10 है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 meter square. The length of the plot in meters is one more than twice of its breadth. We need to find the length and the breadth of the plot. अब देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। अब इसकी जो लंबाई है that is one more than twice of its breadth, यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दो गुने में एक अगर हम ऐड कर दे तो वो उसकी लंबाई है। हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई पता करनी है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, और वो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले इस वर्ड प्रॉब्लम को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत ही सिंपल है। चलिए देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं कि उस प्लाट की जो चौड़ाई है वो x मीटर है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 2x+1, यानी चौड़ाई का 2 गुना और उसमें 1 हम ऐड कर लेंगे। अब यहां पर दिया गया है दैट एरिया ऑफ प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, और जैसा कि हम जानते हैं एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज x इंटू 2x+1 एंड दैट इज इक्वल टू 528। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, दैट इज 2x² + x - 528 = 0। देखिए दोस्तों, हमको यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब जैसा कि हम देख सकते हैं ये इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है, जहां a = 2, b = 1 एंड c = -528। देन एज पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x = -b + -√b² - 4ac/2a। अब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूला में आप abc की वैल्यू रख दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो चलिए जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यह आएगा -1 ± √(1²)-4 × 2 × -528/2 × 2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -1 ± √(4225/4). अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसकी वैल्यू आएगी x = -1 ± 65/4। देयरफॉर x = -1 + 65/4 और x = -1 − 65/4। तो यहां पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 64/4, दैट इज 16, और यहां पर x की वैल्यू आएगी -33/2। अब चूंकि x जो है वो चौड़ाई है, एक डायमेंशन है, प्लॉट की चौड़ाई जो कि एक डायमेंशन है, तो x की वैल्यू निगेटिव तो नहीं हो सकती। तो हमको ये जो वैल्यू मिली है दैट इज -33/2, इसको हम इग्नोर करेंगे और x की वैल्यू जो हमको मिली है दैट इज 16, उसको हम कंसीडर करेंगे। तो प्लॉट की चौड़ाई हो जाएगी 16 मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी 33 मीटर। अब यहां पर देखिए हमको प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई मिल गई। अब इसका एरिया निकालकर हम इस सॉल्यूशन को वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ प्लॉट हो जाएगा 16 × 33 एंड दैट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर आवर सॉल्यूशन इज करेक्ट। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आपके पास कोई वर्ड प्रॉब्लम हो जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सलूशन निकालना हो, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सलूशन निकालने के बाद आपको उसे वेरीफाई भी करना होता है। हो सकता है एग्जामिनर इसके मार्क्स कट कर ले, क्योंकि बुक में दिया गया है कि वी शुड ऑलवेज वेरीफाई आवर सॉल्यूशन। तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आए एग्जाम में जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हो, वर्ड प्रॉब्लम, स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम दी गई हो जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी हो, फिर इसको सॉल्व करना हो, तो बाद में आपको इस तरीके से वेरीफाई भी करना होगा। बहुत ही सिंपल है, 2 लाइन में वेरीफाई हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए एग्जाम्पल 11 सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल 11 है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब मान लेते हैं जो स्मॉलर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम x मान लेते हैं, तो अगला कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन होगा? अगला कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा x+2। अब इन दोनों का जो स्क्वायर है दैट इज 290। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये आएगा x² + x² + 4x + 4 = 290। तो ये हो जाएगा 2x² + 4x - 286, राइट हैंड साइड में आएगा 0। अब ये इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा x² + 2x - 143 = जीरो। यहां तक समझ में आ गया। अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। अब यहां पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे एंड दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बाय रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 576 अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 24 अपॉन 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 11 या माइनस 13। अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है दैट इज टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, दैट मीन्स x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x इज इक्वल टू माइनस 13 को हम कंसीडर नहीं करेंगे और x इज इक्वल टू 11 को हम कंसीडर करेंगे। तो दो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर होंगे 11 एंड 13। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 121 प्लस 169 एंड दैट इज इक्वल टू 290। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल 11 सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम्पल 12 और एग्जाम्पल 12 के लिए मुझे बैकग्राउंड में जाना होगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम्पल 12 और एग्जाम्पल 12 है ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइन हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर Then the area of the park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with its base as the breadth of the rectangular park and the altitude 12 meter. Find its length and breadth. अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी जो चौड़ाई है वो लंबाई से 3 मीटर कम है और इसके ऊपर एक आइसोसेलिस ट्रायंगल के शेप में एक पार्क है जिसकी ऊंचाई जो है वो 12 मीटर है। अब यहां पर इस पार्क की जो चौड़ाई है वो हम x मीटर मान लेते हैं, ये हमने x मान लिया तो ये भी x हो गया। अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? अब इसमें दिया गया है कि चौड़ाई जो है वो लंबाई से 3 मीटर कम है तो लंबाई जो होगी वो चौड़ाई से 3 मीटर ज्यादा होगी तो लेंथ हो जाएगी x प्लस 3 मीटर। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3 मीटर स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x मीटर स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल का जो बेस है की लंबाई है x मीटर तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट एंड दैट इज इक्वल टू 6x। अब चूंकि दिया गया है that area of rectangular park is equal to area of triangular park plus 4। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब area of rectangular park क्या है? area of rectangular park है x square plus 3x और area of triangular park is equal to 6x। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 4 तो ये हो जाएगा x square minus 3x minus 4 is equal to 0। तो यहाँ पर हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर b है माइनस 3, c है माइनस 4 और a है 1। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 अपॉन 2। अब बहुत ही सिंपल है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x आएगा यहाँ पर 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 2, therefore x is equal to 4 और x is equal to माइनस 1। अब चूंकि x एक डायमेंशन है तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, therefore x is equal to 4। तो इस प्लॉट की चौड़ाई हो जाएगी 4 मीटर और इसकी लंबाई हो जाएगी 7 मीटर। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 दैट इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें पहले से ही इक्वेशन दी गई है और हमें उसके रूट्स निकालने हैं, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये इक्वेशन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम x को दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहां पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 1। अब बहुत ही सिंपल है, इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व करेंगे। और क्वाड्रेटिक फार्मूला में एक टर्म होता है स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की ही वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा 9 माइनस 4 एंड दैट इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब बहुत ही सिंपल है, यहां पर x की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल 15 सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल 15 लगता बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। एग्जाम्पल 15 है, मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, जिसको 1 घंटा ज्यादा लगता है अप स्ट्रीम में टू रिटर्न द सेम स्पॉट, यानी 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसको नदी की धारा में फ्लो करने में जितना टाइम लगता है उसके विपरीत इसको फ्लो करने में 1 घंटा ज्यादा लगता है। तो हमें नदी की धारा की स्पीड पता करनी है, बहुत ही सिंपल है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर, और नदी की धारा की जो स्पीड है उसको हम x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। अब कोई मोटर बोट नदी की धारा के विपरीत अगर वो चलेगी तो उसकी नेट स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड माइनस नदी की धारा की स्पीड। Therefore, the speed of boat in upstream is equal to speed of boat minus speed of stream, and that is equal to 18 minus x किलोमीटर पर आर। Similarly, speed of boat in downstream, यानी अगर कोई मोटर बोट नदी की धारा में जा रही है तो उसकी टोटल स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड होगी मोटर बोट की स्पीड प्लस नदी की धारा की स्पीड। Therefore, speed of boat plus speed of stream, and that is equal to 18 plus x किलोमीटर पर आर। ये आपको समझ में आ गया। दैट मीन स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर एंड इन डाउन स्ट्रीम इज 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। इसमें इतना ही है समझने वाला, बाकी सब सॉल्यूशन है, बहुत ही इजी है। अब डिस्टेंस है 24 किलोमीटर। अब अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ डिस्टेंस इज 24 एंड स्पीड इज 18 माइनस एक्स। डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा, that is distance upon speed and distance is 24 and speed is 18 plus x। अब चूंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम प्लस 1 आवर, यानी नदी की धारा के विपरीत जाने पर नदी की धारा में चलने से 1 घंटा ज्यादा टाइम लगा। therefore 24 upon 18 minus x is equal to 24 अपॉन 18 प्लस एक्स प्लस 1। अब 24 अपॉन 18 प्लस एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हो जाएगा 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब बहुत ही सिंपल है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन सॉल्व होके आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, बहुत ही सिंपल। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करिए, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहां पर x की वैल्यू आएगी माइनस 48 प्लस माइनस 60 अपॉन 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 और माइनस 54। अब चूंकि x जो है वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है तो वो निगेटिव नहीं हो सकती, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी नदी की धारा की स्पीड होगी 6 किलोमीटर पर आवर एंड दैट इज आवर आंसर। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लेट्स रिकैप। दोस्तों, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सच एज ax2 + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो इस तरीके से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट। दोस्तों, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालते हैं। अब उन रूट्स के नेचर क्या होते हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।